नंबर एक, एक प्रश्न नंबर है, एक समलंब का क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये भुजा 4 है और ये भुजा 3 है और इनके बीच की दूरी, ये जो भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा है कितनी, ये 4 और ये 3, 4 प्लस 3, और ऊंचाई कितनी है ये वाली 3, तो 4 और 3 7, 7 × 3/2, 7 × 21/2 यानी कितना आ गया ये 10.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे, माना दूसरी भुजा की लंबाई मान लेते हैं यक्स, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग तर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल दिया कितना है, किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन में 36 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी पहली भुजा कितनी, एक भुजा 9 है, दूसरी भुजा हमको नहीं पता है, तो दूसरी भुजा को क्या माना था, यक्स गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारी 3। तो देखिए ये जो 2 बटे में है ये गुणे में आ जाएगा, 36 × 2, और ये जो 3 गुणे में है किधर आएगा, बटे में, यह आ जाएगा 9 प्लस यक्स, 3 से इसको काट देंगे ये आ जाएगा 12, 12 × 24, तो ये आ गया 24 = 9 + x, तो ये 9 इधर ले आएंगे तो 24 - 9 = x, यानी x का मान कितना आ गया, 24 में से 9 गया 15, यानी हमारी दूसरी समांतर भुजा कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी जो लंब है, लंब ए बी पर, ए डी जो रेखा है ए बी पर क्या लंब है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी जो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर है, और बी सी, बी सी और सी डी कितनी है 5 5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए ये समलंब है, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है तो उसका सूत्र होता है समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखते हैं इसमें समांतर भुजाओं का योग तो हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा 8 है और ये 5 है, हमको ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे मिला दें तो देखिए ये कितनी भुजा है 5, तो ये कितनी होगी 5, ये कितनी होगी, ये 5, अब ये 5 निकल गई और ये टोटल कितनी थी 8, तो ये वाली कितनी है, ये वाली ये होगी हमारी 3। अब देखते हैं ये कितना है, समकोण है, क्योंकि यहाँ पर ये लंब है तो ये भी लंब है, तो देखिए ये 3 है आधार, ये कर्ण कितना है 5, तो ये लंब अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, लंब पता नहीं हमको, आधार 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इधर लाकर घटा देंगे बराबर लंब स्क्वायर
तो लंब बराबर कितना आ गया हमारा, 16, लंब स्क्वायर और 16, तो लंब बराबर आ गया 4। तो यानी ये जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 4। अब हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाएं है कौन कौन सी, 8 और 5, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आई है हमारी 4। तो 8 5 13 गुणे 4/2, 4 2 से कट गया, 13 2 26 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न नंबर 4, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्र, समलंब का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, जब सम लंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखिए समांतर भुजाएं है कितनी, 8 मीटर और 6 मीटर, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, 8 6 14 गुणे 4/2, 14 2 28 वर्ग मीटर, यह हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, एक समलंबकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है, यह समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी है, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली जो भुजा है, पहली भुजा मान लेते हैं यक्ष है, तो दूसरी भुजा कितनी है, वो 2x है, क्योंकि एक दूसरी की 2 गुना है। अब देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल, सम लंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, हमारा तो दिया हुआ है 240, अगर दिया ना होता तो हम सूत्र लिखते हैं, तो अब इसका सूत्र लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया है 240, 1/2। अब समांतर भुजाएं है कितनी, एक तो यक्ष है दूसरा 2x है, हाइट ऊंचाई कितनी दी है 15 मीटर बराबर 240। अब देखिए जो 2 इधर बटे में इधर गुणे में जाएगा, जो गुणे में इधर बटे में जाएगा, x और 2x कितना हो जाएगा, ये 3x बराबर 240 गुणे 2/15, x बराबर पहले तो इसको काट लेते हैं, 15 एकम 15 कितना बचा 9, 15 छक्का 15 छक्कू 60, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 यानी 16, 16 2 32 ये आ गया। देखिए यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर 240 की जगह 270 है, कितना है 270, तो यहाँ पर लिखेंगे 270, 270, 270, 270, जब 15 से काटेंगे इसको हम, 15 एकम 15 बचा 20, तो 12 बचा 120 हो गया, 15 8 120, तो ये आ गया हमारा 3x बराबर 18 2 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 36/3 यानी कितना आ गया 12, यानी एक पहली भुजा x बराबर कितना आ गया 12, और दूसरी भुजा जब हम लिखेंगे, दूसरी भुजा कितनी है 2x यानी 2 गुणे 12 कितना हो गया 24, तो यानी हमारी भुजाएं होंगी 24 और 12। अभ्यास 18A द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।